की गई इमेज में फ़ोन की कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस हाईलाइट की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रियर पैनल में आप ड्यूल कैमरा सेटअप देख सकते हैं जो कि वर्टिकली प्लेस्ड की गई है। अब गाइस फोन के कैमरा को लेकर यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फोन 20 मेगापिक्सल की कैमरा सपोर्ट करेगी, जिसमें AI फीचर्स भी मौजूद होगी। इसके साथ ही गाइस बॉक्स पैक में जो हाईलाइटेड इमेज है, इसके बैक में आप कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देख सकते हैं। तो जैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फ़ोन या तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगी या फिर फेस अनलॉक की फीचर होगी जिसपे इंफ्रारेड मौजूद होगी। अब दोस्तों वीवो की तरफ से इस फोन को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन गाइस पॉपुलर वेबसाइट 91 मोबाइल्स के अकॉर्डिंग ये फ़ोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है। साथ ही इसकी जो प्राइस होने वाली है वो होगी 12,000 से 15,000 के अंडर, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फ़ोन दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन अवेलेबल होगी। अब दोस्तों चलिए फ़ोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वीवो V9 में मौजूद होगी 6.22 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, साथ ही 4GB और 64GB की इंटरनल स्टोरेज मौजूद होगी। इसके साथ ही फ़ोन में मौजूद होगी 3260mAh की बैटरी, जो कि एवरेज पावर प्रोवाइड करेगी फ़ोन को, और इससे आप लगभग होल डे यूजेस कर सकते हैं नॉर्मल यूज में। कैमरा फीचर्स की बात करें तो फोन के रियर साइड में मौजूद होगी ड्यूल कैमरा सेटअप, जिसपे 13+5 MP की ड्यूल कैमरा सेटअप मौजूद हो सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ ही फोन के फ्रंट साइड में मौजूद होगी 20 MP की सेल्फी कैमरा, जिसमें कुछ AI फीचर्स भी इंक्लूडेड है। फोन रन करेगी एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे, जो कि बेस्ट है कंपनी के ऑफिशियल फोन टच OS पे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं फोन की प्राइस और एबिलिटी के बारे में। वीवो की तरफ से इस फोन को लेकर कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या फिर अनाउंसमेंट नहीं है, तो जैसे में हमारे पास प्राइस को लेकर भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन गाइस कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग ये कंफर्म कर दिया गया है कि फ़ोन नवंबर के एंड या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकती है। अब दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीवो की तरफ से एक अच्छी प्रोडक्ट होने वाली है, जिसमें अच्छी खासी फीचर्स और कुछ नए फीचर्स भी इंक्लूडेड है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वीवो थोड़ी अलग सोचती है उसकी प्रोडक्ट को लेकर, वीवो अपने एडवर्टाइज मार्केट में ज़्यादा फोकस करती है ना ही प्रोडक्ट पर। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फ़ोन भी एवरेज में अच्छी स्मार्टफोन होगी। तो गाइस आप क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन।